ये इस मनुवादी सरकार को एक छोटी सी चेतावनी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आयोजक और सभी साथी मिलकर आने वाले दिनों में एक पूरे भारत बंद का आयोजन करें। पिछले दिनों साथियों मैं बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी ने एक पकौड़ा योजना बताई थी और वो पकौड़ा योजना हमें 13 पॉइंट रोस्टर पर पता चली है कि वो पकौड़ा योजना किसके लिए थी। वो आदिवासी के लिए थी, वो पिछड़े वर्ग के लिए थी, वो एससी वर्ग के लिए थी, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए थी। ये उनकी सोची समझी रणनीति है। उन्होंने अपने अपने साफ साफ शब्दों में कहा है, उनके नुमाइंदों ने, सरकार के नुमाइंदों, आरएसएस के नुमाइंदों ने कहा है कि हम आरक्षण को खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि उसका होना ना होना बराबर होगा। तो 13 पॉइंट रोस्टर से उन्होंने शुरुआत करी है। साथियों मैं इसी से कहूंगा, ये बहुजनों के साथ 13 पॉइंट रोस्टर धोखा है। और मैं बहुजन, एससी एसटी ओबीसी से सभी से ये कहूंगा कि 2019 में आपके पास मौका है, इसे गड्ढे में सरकार को ढकेलने का आपके पास मौका है। और एक चीज और, नरेंद्र मोदी ने एक चाय योजना बताई कि गैस से मैं चाय बनाता था, लेकिन किसी ने चाय बनाते तो नहीं देखा, एक मिनट, चाय बनाते तो नहीं देखा, लेकिन ये बहुजन समाज तुम्हें 2019 में फिर से चाय बनाने पर मजबूर करेगा और उसका खोका ये युवा जमा बहुजन समाज का युवा तुम्हारे लिए भेजेगा और हम भी देखना चाहेंगे कि नाले से कैसे कैसे सिलेंडर से तुम बनाते हो। धन्यवाद, जय भीम।